सबसे सस्ता और अच्छा प्रोटीन है अंडा। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन के जितने भी सोर्स हैं उनमें से अंडा सबसे टॉप पर है और सबसे सस्ता भी। लेकिन अंडे को यूज़ करने का सही तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम अंडों से मिलने वाले पोषक तत्वों का लाभ उठा पाएंगे। काफ़ी लोग जाने अनजाने में अंडों का 100% फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिससे कि अंडों का पूरा प्रोटीन उन्हें नहीं मिल पाता और उनके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो आज बात करेंगे कि अंडे कितने खा सकते हैं, अंडे कब खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी होम रेमेडीज़ और कई मोटिवेशनल वीडियोज़। अंडों में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसके सफ़ेद भाग में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं अंडे के पीले भाग में 2 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे के पीले भाग में फास्फोरस और सिलेनियम होता है, इससे खाने से टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडे के पीले भाग में फैट भी होता है, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अंडा एक ऐसा फूड है जिससे आपका वज़न बढ़ भी सकता है और वज़न घट भी सकता है, पर आपको उसको खाने का तरीका पता होना चाहिए। अंडा खाने से आपका पेट भरा भरा रहता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। अंडा आपकी मसल्स का साइज़ तेज़ी से बढ़ाता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप केवल अंडे का सफ़ेद भाग खाइए, पीला नहीं, क्योंकि पीले भाग में फैट हो सकता है। आप दिन भर में 8 से 10 एग वाइट खा सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक अंडे का पीला भाग खा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आप अपना वज़न बढ़ाकर बॉडी का साइज़ बढ़ा रहे हैं तो आप दिन में 2 से 3 होल एग खा सकते हैं और एग वाइट तो जितने मर्जी खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंडे कैसे खाने चाहिए, कच्चे अंडे, उबले अंडे, ऑमलेट या एग फ्राई। बहुत से लोग सोचते हैं कि कच्चे अंडे पीने से शरीर को ज़्यादा फायदा होता है, इससे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, पर ऐसा नहीं है। कच्चे अंडों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और कच्चा अंडा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। उबले हुए अंडों का सारा प्रोटीन आपकी बॉडी को लगता है, पर कच्चे अंडों का केवल 50% प्रोटीन ही आपको लगता है, इसलिए अंडों को केवल उबाल कर ही खाना चाहिए। आप चाहें तो कभी कभी ऑमलेट बनाकर भी खा सकते हैं। उबले अंडे या ऑमलेट को आपकी पूरी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और पूरे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। कच्चे अंडे केवल 50% डाइजेस्ट होते हैं और बाकी बिना डाइजेस्ट के ही बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपको पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। जितना हो सके उबले अंडे ही खाएं, ऑमलेट या हाफ फ्राई बहुत कम खाएं। और ये भी याद रखें कि अगर आपको अंडे उबाल कर खा रहे हैं तो केवल उसे 7 से 8 मिनट तक ही उबालें। कई लोग 15 से 20 मिनट तक उबाल कर खाते हैं, जिससे उससे कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अंडे कितने खाने चाहिए। आप दिन में 10 से 15 अंडे आराम से खा सकते हैं। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो एक अंडे का पीला भाग खाएं, और वज़न बढ़ा रहे हैं या मास गेन कर रहे हैं तो 2 से 3 अंडे का पीला भाग खा सकते हो। अब बात करते हैं कि अंडे कब खाने चाहिए। आप कभी भी खा सकते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में। अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते तो वर्कआउट के बाद 5 से 6 एग वाइट खाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। वर्कआउट के दौरान आपको BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड चाहिए होता है। इसके लिए आप अगर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो वर्कआउट से 15 से 20 मिनट पहले आप 5 से 6 एग वाइट खा सकते हैं, जिससे वर्कआउट के दौरान आपको सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे, जिससे आपके मसल्स जल्दी रिपेयर होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमें अंडे कैसे खाने चाहिए, कब खाने चाहिए और कितने खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।